हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सीरीज वन था उसका, और इसमें मैं 20 पार्ट्स बनाने वाला हूँ। आज के वीडियो में हम लोग कल की वीडियो में हमने एडमिक्सचर्स अभी हमने कवर नहीं किया है। कवर डिस्कस किया था, हाई स्कोर डिस्कस किया था और डेंसिटी डिस्कस किया था। आज के वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ब्रिक के ऊपर आता है। अब दोस्तों, ब्रिक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे, कन्वेंशनल ब्रिक साइज क्या होता है? तो आपको ही पता होगा, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। अगर उन्होंने बोला कि विथ मोर्टार कितना होता, तो यू कैन से 20 × 10 × 10। ठीक है, तो ब्रिक का सबसे पहले क्या हो गया, हमें ब्रिक का पता चल गया कि स्टैंडर्ड साइज क्या होती है। इसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन होता है ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आज से आप लोग याद कर लो, ब्रिक लाइक फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होता है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये होता है 105 kg per cm². 105 kg per cm², और उसके बाद होता है सेकेंड क्लास ब्रिक, जिसका स्टैंडर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 70 kg per cm². उसके बाद होता है थर्ड क्लास ब्रिक, जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 30 kg per cm². इसके बाद एक और ब्रिक होती है जिसको बोलते हैं फायर ब्रिक। आपको फायर ब्रिक भी पता होना चाहिए कि फायर ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। तो फायर ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 125 kg per cm². 125 मतलब 125 kg per cm². ठीक है, तो ये कौन सा ब्रिक हो गया? ये फायर ब्रिक हो गया। बहुत ही अच्छी टाइप की ब्रिक होती है फायर ब्रिक। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लेते हैं इसमें ब्रिक्स के बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? हेडर, स्ट्रेचर, फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये चारों बॉन्ड्स याद कर लो। वैसे तो बॉन्ड्स बहुत होते हैं, ठीक है, कभी ब्रीफ में मैं इसको डिस्कस करूँगा, बट फोर जो इंटरव्यू पूछे जाने वाले होते हैं यही बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड्स हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, और क्या बोलते हैं इसका स्टैंडर्ड साइज हो गया किसका, ये हमारे लाइक ब्रिक का। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सीमेंट। सीमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो पूछते हैं सीमेंट बैग का स्टैंडर्ड कि लाइक वेट क्या होता है। तो उसका वेट आपको भी पता होगा, 50 kg होती है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेते हैं उसका वॉल्यूम कितना होता है, सीमेंट बैग के वॉल्यूम क्या होता है। तो उसका वॉल्यूम होता है 0.0347 m³। ठीक है, 0.0347 m³, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, और इसके बाद पूछ लेते हैं जो स्टैंडर्ड लाइक इसके ग्रेड्स होते हैं सीमेंट के, कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड्स इसके होते हैं 33, 43 और 53। ठीक है, तो आपको ग्रेड्स भी याद करके रखना है। ठीक है, इसके बाद पूछते हैं कि इसका स्टैंडर्ड एक्सपायरी डेट कितने टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद ये यूजफुल नहीं होता है। तो एक्सपायरी डेट होता है सीमेंट का 3 मंथ्स। कितना होता है? 3 मंथ्स। इसके बाद हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीगेट के ऊपर। अब एग्रीगेट में आप बोलोगे सर क्या पूछा है एग्रीगेट में? भाई एग्रीगेट में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो आप बोलोगे कि सर फाइन एग्रीगेट कौन सा है, कोर्स एग्रीगेट कौन सा है? ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट होता है, और उसके बाद एक और एग्रीगेट होता है जो आपने शायद सुना ही नहीं हो, साइक्लोपियन एग्रीगेट होता है। क्या होता है? साइक्लोपियन एग्रीगेट। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कौन सा होता है? तो साइक्लोपियन होता है अगर आपके एग्रीगेट का साइज 75 mm के ऊपर का है, तो उसको हम लोग साइक्लोपियन एग्रीगेट बोलते हैं। अगर आप बोलोगे आप कोर्स एग्रीगेट कौन सा होता है, तो कोर्स एग्रीगेट वो एग्रीगेट है जो 75 mm के सीप से लाइक वो एंट्री करें और रिटेन कर जाएँ 4.75 से। रिटेन कर जाए किसे? पास कर रहे हैं 75 mm से, रिटेन कर रहे हैं 4.75 से, तो ऐसे एग्रीगेट को बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब आप बोलोगे तो फाइन एग्रीगेट कौन सा होता है? तो फाइन एग्रीगेट होता है जो 4.75 mm से के सीप से पास करें और 75 μm तक रिटेन करें, 75 μm तक रिटेन करें, तो वो क्या हो जाते हैं? फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। उसके बाद भी ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद आता है सिल्ट। क्या आता है? सिल्ट। तो सिल्ट का साइज़ क्या होता है? सिल्ट का साइज होता है 0.002 to 0.06। ये क्या होता है? ये होता है सिल्ट का साइज़। अब आप बोलोगे क्ले क्या होता है, इसके बाद क्ले का भी एक मैटर आता है। तो क्ले होता है इफ़ दिस इज़ लेस देन 0.002, तो ऐसे कंटेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्ले। तो हमने क्या देखा कि एग्रीगेट पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और सीमेंट पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके अलावा ब्रिक्स पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग उन 3 टॉपिक्स पे लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पढ़े। इन क्वेश्चंस को आप एक बार लिख लो, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आपका ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद टाइप, उसके बॉन्ड्स, ओके, सीमेंट के केमिकल कंटेंट्स एंड उसके बाद सीमेंट के ग्रेड्स और सीमेंट का एक्सपायरी डेट, और इसके बाद एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट
और साइक्लोपियन एग्रीगेट और सिल्ट और क्ले का स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और शेयर करने के बाद अगर क्या बोलते हैं आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करो यार दोस्तों। और इसके बाद मैं टॉप लाइक सीरीज 3 कल लेके आना हूँ, जिसमें आपको पार्ट 3 में कुछ नए मैटर्स जो इंटरव्यू के रिलेटेड है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि कौन कौन से कॉर्पोरेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी बेस पे मैं कंटेंट्स बना रहा हूँ। और मैं और भी ज़्यादा मीन्स मेरी कोशिश है कम से कम 20-30 वीडियोस बनाए जाए, जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो लाइक हमारे डिजाइनर के लिए हो, डिजाइन इंजीनियर की जॉब के लिए हो, चाहे साइट इंजीनियर के लिए जॉब के लिए हो। और एक दिन मैं आपको प्रोफाइल बताने वाला हूँ जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी प्रोफाइल में हम जा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सिर्फ साइट ही हमारा लाइफ होता है, कुछ लोग कन्फ्यूज है कि डिजाइन ही मेरी लाइफ होती है। नहीं यार, बहुत से सेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करो नीचे। Thank you so much for watching this video.